जय वाल्मीकि जय भीम। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम महर्षि वाल्मीकि भगवान का सबसे बड़ा तीर्थ जो कि अमृतसर पंजाब में है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही लगा बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आने वाली हर वीडियो का। यह महर्षि वाल्मीकि भगवान का तीर्थ स्थल पंजाब के शहर अमृतसर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तीर्थ स्थल में लगी हुई महर्षि वाल्मीकि भगवान की मूर्ति करीब 5.5 फुट की है। मूर्ति का वजन करीब 800 किलोग्राम है। इस मूर्ति का निर्माण ग्वालियर में हुआ था। मूर्ति को बनाने में 3 महीने से ज्यादा का समय लगा था। इस मूर्ति के निर्माण में सोने का प्रयोग भी किया गया है। यह महर्षि वाल्मीकि भगवान की मूर्ति गोल्ड प्लेटेड है। इस मूर्ति के ऊपर करीब 50 माइक्रोन की सोने की परत लगाई गई है। इस तरह से इस महर्षि वाल्मीकि भगवान की मूर्ति को बनाने में करीब 43 लाख रुपए का खर्च आया था। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां महर्षि वाल्मीकि भगवान ने रामायण लिखी थी। माता सीता वनवास के दौरान 2 वर्ष यहीं रही थीं। लव का जन्म भी यहीं हुआ और कुश को अग्नि कुंड से महर्षि वाल्मीकि भगवान ने यहीं प्रकट किया था। इसी आश्रम में महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी थी। जब श्री राम ने अपना घोड़ा छोड़ा था तो लव और कुश ने यहीं उस घोड़े को पकड़ा था और श्री राम के साथ युद्ध भी किया था। इस तीर्थ के अंदर पानी का एक सरोवर भी है जिसे बहुत पावन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर को हनुमान जी ने खोदकर बनाया था। इस सरोवर के आसपास कई मंदिर बने हुए हैं। दूर दूर से श्रद्धालु और संत महात्मा यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। इस सरोवर के चारों ओर 30 फुट की पेड़ी बनी हुई है। स्नान के पश्चात भक्त यहाँ सरोवर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ एक प्राचीन बावली भी है। माना जाता है कि सीता माता यहाँ स्नान किया करती थीं। इसे सीता माता की बावली भी कहा जाता है। इस बावली में महिलाएं स्नान कर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। हर साल नवंबर में पूर्णिमा के दिन यहाँ 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए भक्त यहाँ भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं। वह बहुत सुंदर नज़ारा होता है जब महिलाएं आटे से बना हुआ दिया जलाकर पत्तों से बने डोने में रखकर सरोवर में प्रवाहित करती हैं और वहीं सरोवर के किनारे बैठकर भजन कीर्तन गाती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मेले के दौरान दूर दूर से भारी संख्या में साधु संत फकीर महात्मा भी इसी सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। महर्षि वाल्मीकि भगवान के इस तीर्थ के अंदर काफी सारे प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे राम लक्ष्मण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, महर्षि वाल्मीकि भगवान का धूना, सीता जी की कुटिया, लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, सीताराम मिलाव मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर स्थल स्थित हैं जो रामायण की याद दिलाते हैं। दोस्तों, लोग यहाँ आकर ईंटों से छोटे छोटे घर बनाते हैं कि हमें घर की प्राप्ति हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।